आज का आंदोलन का मकसद क्या है और किस कारण इस इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, कुछ क्या बताएंगे? आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इमामों के लिए, उलमास मौलाना के लिए काम कर रही है, आज का जो हमारा आंदोलन है पूना ज़िले के लेवल पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आप सबको पता होगा कि योगी पुलिस जो कुछ काम तो नहीं कर रही है, वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मॉब लिंचिंग के ज़रिए से हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। और कुछ ही दिन पहले जो है उमर गौतम साहब को जेल में डाला गया, जो हमारे दीन की दावत के काम करने वाले लोग हैं उनको जेल में डाला गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है जो एक नाहक जुल्म के तौर पर उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर साजिशें का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो हम उसके अपोज में पूरे, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरे इमाम्स काउंसिल यहाँ पे जमा हुई है, उसका पूरा कैडर और उसके सपोर्ट के अंदर पूना के जो है हर इलाकों से हमारे पास मुस्लिम नौजवान यहाँ पे आए हैं, मुस्लिम साथी यहाँ पे आए हैं। और हमारा सीधा सीधा जो है हमारा पैगाम योगी सरकार के लिए यही होगा कि तुम जो हमारे मुस्लिम उलमा को टारगेट कर रही हो, वो टारगेट बंद होना चाहिए। हमारे उलमा हमारे कौम के लिए सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, हम हर कीमत देने के लिए तैयार है हमारे उलमा को बचाने के लिए। हमारे उलमा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई भी सरकार अगर हमारे उलमा को टारगेट करेगी, ये भाजपा सरकार, ये आरएसएस की सोच है, ये मरुवाद की सोच है कि उलमा को टारगेट करके वो हमारी मुस्लिम कौम को डराना चाहती है। तो हमारे उलमा ने आज से 100 साल पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कुर्बानियाँ दी थी। आपको पता होगा आज से 100 साल पहले भी एक रेशमी रुमाल तहरीक शुरू हुई थी। तो अगर आज की सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस सरकार, मनुवादी सोच रखने वाले ये संघवाद जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, आप आसाम में देख सकते हैं, पूरे मुल्क के अंदर हमारे मुस्लिम नौजवानों को मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, अगर ये भाजपा सरकार ये चाहती है कि वो हमें डराना चाहती है, तो याद रखें मुस्लिम कौम डरने वाली नहीं है। हमारे उलमा को अगर टारगेट किया जाएगा तो हम पूरी मुस्लिम कौम पूरे मुल्क के रोड पे निकलेंगी। आज हम पूना में जमा हैं इमाम्स काउंसिल के बैनर तले। इमाम्स काउंसिल ने आज एक नारा लगाया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करो। अगर हुकूमत योगी सरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा नहीं करती है तो हम अगला प्लान ऑफ एक्शन बहुत जल्दी हमारा बनाएंगे, और सिर्फ पूना में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर हर ज़िले के लेवल पर हर मैजिस्ट्रेट की जगह जाकर हम धरना करेंगे। और आज तो तादाद कम थी क्योंकि अचानक में हमने ये किया है, हम पुणे लेवल पर भी एक बड़ा प्लान करेंगे, पूरे महाराष्ट्र लेवल पर, पूरे यूपी लेवल पर, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर। हमारी आज की डिमांड बस यही होगी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए, हमारे बेकसूर नौजवानों को जेलों में जो बंद है उन सबको रिहा किया जाए, जिन लोगों के ऊपर नाहक मुकदमा फंसाए गए हैं वापस लिए जाएं। ये पॉलिटिकल जो केसेस कर रही है भाजपा सरकार, योगी सरकार, उन सबको जो है वापस लेना उसका करना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेती है तो हम जो है मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। आखिरी बात मैं फिर से वही कहूँगा कि मुस्लिम उलमा को टारगेट करना बंद कर देना चाहिए। हम अपने सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं हमारे उलमा के लिए, हमारे मौलाना लोगों के लिए, हमारे इमामों के लिए। अगर इमामों के ऊपर ज़र्रा भी आंच आती है तो हम पूरी मुस्लिम कौम जो है वो रोड पे आएगी और हम पूरे मुल्क के जो है अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जो हमारा जमहूरी हक भी है। हम बहैसियत मुसलमान दीन की दावत करने वाले हैं। इस्लाम का नाम होता है अमन का, मोहब्बत का, शांति का। हम जो दावत देते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो दावत देते हैं, वो एक दीन की दावत है, वो पैगाम की दावत है, वो मोहब्बत की दावत देते हैं। आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर दीन की दावत देना इल्ज़ाम है तो मेरे साथ खड़े सब लोग हम दीन की दावत देने के लिए, दीन के दावत का काम करते हैं। हम भी जो है सब उनके साथ दीन की दावत का काम करते हैं। तो बस हमारा यही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए। हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए से योगी सरकार तक पहुँचा रहे हैं। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हम अपना प्लान ऑफ एक्शन बड़े लेवल पर, पुणे के लेवल पर करेंगे, महाराष्ट्र लेवल पर करेंगे और पूरे मुल्क के अंदर करेंगे। ये हमारी डिमांड होगी। शुक्रिया, थैंक यू।